हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 101 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं इसरो बीएसएससी की तरफ से। इसरो बीएसएससी का, जैसे आप लोग देखे थे कि कुछ दिन पहले ही आया था, इसका नोटिस आ गया था कि एग्जाम आपका 14 तारीख को होने वाला है। तो आज इसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वही बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, और इसका लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट बीएसएससी का। तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका ईमेल पे जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पे भी मैसेज चल गया होगा, तो ईमेल आईडी पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी वहाँ से लिंक आया होगा, लिंक पे क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और उस एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अपना अपना सेंटर देख लीजिए, सबका होम सेंटर दे रहा है। अगर निर्भय 101 यूट्यूब चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी, एसटीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, और जितना भी जेई लेवल का एग्जाम हो गया पूरा प्रीवियस ईयर सब डिस्कस करता हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, हम लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड ई एडमिट कार्ड और ऑनलाइन सीबीटी, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, हम क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से कैंडिडेट लॉग इन, आप लॉग इन प्रेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका और अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहेगा। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, उसमें लॉग इन कीजिएगा। लॉग इन करने के बाद जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड और एग्जाम दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो निर्भय 101 यूट्यूब चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।